अगर चाबी खो गई या चाबी का बैटरी डाउन हो गया तो आप स्कूटर को कैसे चालू कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपली यहां से इसे निकालना है, ये निकल जाएगा। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास है एक्टिवा एच स्मार्ट। पहले से पहले चाबी की बात करते हैं तो आप चाबी देख लीजिए इसकी, किसी कार जैसी। इसमें लॉक और अनलॉक और फाइंड माई स्कूटर, अगर आप भीड़ में इसे खड़ा कर देते हैं तो इसे दबाएंगे तो इसके ब्लिंकर्स ब्लिंक होने लगेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपका स्कूटर यहाँ पे है। और ये चाबी, ये भी एक चाबी, अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या काम है। सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में आपको वही एलईडी वाले इसमें आ जाते हैं हेडलाइट, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो ये अभी हेलोजन में ही रखने वाले हैं। यहाँ पे होंडा की बैजिंग, नंबर प्लेट की बैजिंग, और ये जैसा पहले आता था क्रोम वगैरह, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे एक प्लास्टिक का ट्रीटमेंट दे दिया गया है, और ये मेटल में ही है। ये इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे, और ये अलॉय व्हील वाला है। आपको स्टील रिम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसमें ट्यूबलेस टायर आते हैं। टायर साइज की बात करूँ तो MRF के टायर इसमें है, और इसके सेक्शन की बात करूँ तो 1990 12 इंच का अलॉय व्हील है, और 90 mm चौड़ा ये टायर है। और यहाँ पर कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम आता ही है स्कूटर में, आप पहले से जानते हैं। और यहाँ से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इसमें मेटल में। अभी किसी और कंपनी का स्कूटर में आप देखा ये सारी चीज़ें प्लास्टिक होंगी, लेकिन एक्टिवा में अभी भी ये सारी चीज़ें मेटल की आती हैं और काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे एच स्मार्ट की बैजिंग, एक्टिवा की बैजिंग यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। किक इसमें से हटा दी गई है, हालाँकि किक का यूज जनरली कोई करता भी नहीं था स्कूटर में, इसलिए इसमें शायद कंपनी ने हटा दी। तो अब आपको बैटरी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बैटरी आपकी बढ़िया रहनी चाहिए। बात कर लेते हैं रियर में, तो यहाँ पे अब E20 FI, अब 20% ये एथनॉल के साथ चलेगी। ये वाला इंजन इसमें आ गया है, और OBD2 आ गया है। जैसा कि OBD के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, जो इसमें अब स्कैनर लगता था, जैसा आप कार वगैरह में देखते हैं कि कंप्यूटर एक कनेक्ट करके और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड किया जाता था, वैसा अब स्कूटर और बाइकों में भी आ गया है, तो वो OBD2 इसमें आ गया है। बाकी रियर से आप लुक देख सकते हैं, सबसे पहले वही चीज़ है जैसा पुरानी रहती थी वो वाली। और यहाँ पे आपको फ्यूल ओपनर में चाबी, इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है कि चाबी अब आपको फिजिकल कोई की नहीं मिलती है, ये रिमोट की मिलती है। और यहाँ से आप इसे अनलॉक करेंगे तो इसमें एक लाइट ब्लिंक होगा, और उसके बाद से ये लॉक हो जाएगी, और फिर इस और ये अब स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख लेंगे मीटर पर, यहाँ पर ये आपको लाइट जल जाएगी जो कि, और अगर सीट आपको ओपन करना है तो सीट आप नीचे दबाएंगे तो सीट ओपन हो जाएगा। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें आपको स्टोरेज मिलता है। एक हेलमेट आप इसमें रख सकते हैं, और ये फर्स्ट एड किट आपको मिलता है। और टूल किट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर टूल किट आपको यहीं सेट किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि ये टूल किट यहाँ पर दिया गया है। बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक इसमें 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और इसी बटन को आप ऊपर प्रेस करेंगे तो ये फ्यूल आपका ओपन हो गया। तो ये फ्यूल लेड आपका ओपन हो गया, कुछ इस टाइप का फ्यूल लेड है ना। तो अब आपको सीट नहीं उठानी पड़ेगी, फ्यूल इसे नॉर्मल वैसे ही बंद कर देते हैं। बैटरी इसका यहाँ पे लगा हुआ है, पहले बैटरी आगे लगता था लेकिन अभी बैटरी आपको यहाँ पे लगा हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और बाकी के पास ये चाबी अगर खो जाए तो ये एक चीज़ दिया गया है, अगर चाबी खो गई या चाबी का बैटरी डाउन हो गया तो आप स्कूटर को कैसे चालू कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपली यहाँ से इसे निकालना है, ये निकल जाएगा, और ये जो चीज़ दी गई है ना, इससे आप अपना स्कूटर अनलॉक कर सकते हैं यहाँ पे लगा के, और सिंपली इसे घुमाएंगे तो ये सीट अनलॉक हो जाएगा। और चाबी आप अगर इसमें एक्स्ट्रा चाबी रखे हैं तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर ये स्टार्ट भी हो जाएगा इसके माध्यम से। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है सिंपली, ये किसी को पता नहीं है, हालांकि हिडन चीज़ है ये, लेकिन अगर कहीं आपकी चाबी खो जाती है या चाबी का बैटरी डाउन हो तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इंजन किल स्विच का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्टार्ट का भी बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ये स्टार्ट नहीं है, इसे मैं अनलॉक करता हूँ और फिर यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए ये स्टार्ट हो जाएगी, अब ये देखिए स्टार्ट हो गई। इसका एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ, तो वही सारी चीज़ें हैं, साउंड वगैरह तो सब सेम है। स्पीडो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल का दिखा देगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल का दिखा देगा, चाबी की जो मैंने आपको बताई दी। और ये देख सकते हैं हाई बीम का आपको यहाँ पे दिखा देगा, फ्यूल इंजेक्टर का यहाँ पे, और बैटरी का भी अब इसमें आपको साइन दिखाएगा, आपको दिखाएगा कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज है या डेड होने वाली है, तो ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी। अगर आपके बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है तो ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, जिससे आप चेक, क्योंकि
अब इसमें किक नहीं है तो आपको बैटरी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए कंपनी ने इसमें इंडिकेट कर दिया है कि अगर आपके बैटरी में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इंडिकेटर आ जाता है। बाकी तो गाइस इसका इग्निशन आपको सिंपली ऑन करना है, तो यहाँ से आप अनलॉक करके और इसे आप घुमाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा ये सारी चीज़ें आपको ब्लिंक हो जाएंगी, जैसा कि ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। और फ्यूल इसमें कितना है वो बताने लगा, अभी तो कम है। बाकी ये अब अनलॉक हो गई, ये अभी लॉक हो गई, तो यहाँ पे आपको चाबी का सिंबल आ जाएगा। ये चीज़ें इसके साथ हैं, थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अब ये कितना हो पाता है, कितना लोगों को अच्छा लगता है, ये तो अब आगे चलाने के बाद ही। तो गाइस प्राइस की बात कर लेता हूँ, तो इसकी ऑलमोस्ट एक्सोरूम प्राइस है 85,000 रुपीज़। तो अगर आपको स्कूटर अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे शांति ऑटो होंडा पे, जो कि है रायगढ़ में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।